हेलो स्टूडेंट सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज वट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफ़रेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अप मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई प्लस डी वाई बी डे एक्स होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई इज इक्वल टू रूट वाई ओके सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं थ्री टू सिक्स इन नॉट डिफाइंड है ठीक है फाइंड आउट करते हैं तो मैं अगर डिफरेंशियल को लिखूँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब इज इक्वल टू अच्छा मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई भी है मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई इज इक्वल टू रूट वाई है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे तो हाइस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हमारा टू है यहाँ पे तो यहाँ पे ऑर्डर कितना जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा हमारा टू हो जाएगा देख रहे हैं ना यहाँ पे हाइस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इस इक्वेशन में वो है टू सो देर जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर इज टू अच्छा अब हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की जो एक्सपोनेंट है वो कितना माना जाएगा यहाँ पे वन सो इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी वन तो आपको डेफिनेशन क्लियर है ना कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो पॉलिनोमल की फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे कि ऑलरेडी पॉलिमोल की फॉर्म में है क्योंकि एक्सपोनेंट जो हमारे डेरीवेटिवस के हैं वो ऑलरेडी क्या है आपके होल नंबर्स हैं वन और थ्री यहाँ पे आप दिख रहे हैं डी बाई बी डी का एक्सपोनेंट थ्री है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट वन माना जाएगा सो so, ये वाली के फॉर्म में है तो अब हमारा हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव जो प्रेजेंट है वो टू है तो इसलिए ऑर्डर टू हो जाएगा और जो डिग्री है हाईस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव का एक्सपोनेंट इज़ डिग्री सो तो डिग्री हमारी बन हो जाएगी उनका प्रोडक्ट जो जाएगा दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देम इज़ इक्वल टू वट टू इन वन दैट इज़ टू सो टू इज़ द फाइनल आंसर दैट्स इज़ व ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन बट आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक